गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। टेक्सटाइल्स और लॉन्ड्री के सिलेबस के अनुसार हमने 13 चैप्टर हमारे लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिए और इन दिनों हम लास्ट चैप्टर 14th चैप्टर धब्बे छुड़ाना यानी स्टेन रिमूवल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पिछली बार मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टेन्स के बारे में और टाइप्स ऑफ स्टेन्स धब्बों के प्रकार बताए थे। आज का जो टॉपिक है वो है धब्बों की पहचान करना और धब्बे छुड़ाने के सामान्य नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है धब्बे की पहचान करना। किसी भी वस्त्र पर जब धब्बा लग जाता है तो उस धब्बे की प्रकृति हमें पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो हम उस कपड़े को देखकर या तो धब्बे के रंग को देखकर पता लगाएंगे, भाई भूरा कलर है तो जंग का है या चाय का है या कॉफ़ी का है, या नीला कलर है तो इंक का है, या पीला कलर है तो हल्दी का है। तो ऐसे रंग को वस्त्र के ऊपर से देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये किसका धब्बा होगा। दूसरा, हम गंध से भी वस्त्र के ऊपर लगे हुए धब्बे के बारे में पता लगा सकते हैं। सूंघ कर हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि जैसे पेंट का है, वार्निश का है या किसी भी और चीज़ का है, तो सूंघने से भी धब्बे की प्रकृति हमें पता चल जाती है और टाइप ऑफ स्टेन हमको पता पड़ जाता है। और तीसरी तरह से हम स्पर्श के द्वारा भी स्टेन को पहचान सकते हैं। स्पर्श के द्वारा मतलब जैसे प्राणिज धब्बे जो होते हैं, जो भी जैसे दूध के हैं, दही के हैं, अंडे के हैं, तो उनको वो सूखने के बाद कड़क हो जाते हैं। तो अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो प्राणिज धब्बे कड़क हो जाते हैं। चाशनी का या चॉकलेट लगा हुआ है वो थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं, या फिर नेल पॉलिश अगर लग गई है तो एक मोटी सी परत बन जाती है सूखने के बाद में। तो स्पर्श करके भी, सूंघ करके लगा सकते हैं हम धब्बे का पता, रंग देखकर पता लगा सकते हैं और स्पर्श के द्वारा भी हम रंगों की, धब्बों की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद हम उस पर जो भी रिएजेंट प्रतिकर्मक यूज़ करेंगे वो यूज़ करके और धब्बे हटा सकते हैं। तो ये तो हुआ धब्बे की पहचान करना। फिर दूसरा जो आज का सब टॉपिक है वो है धब्बे छुड़ाने के नियम। धब्बे छुड़ाने के नियम में पहला नियम ये है कि धब्बा लगते ही उसको साफ कर लो। कहीं शादी पार्टी में भी गए हैं, कोई चाय गिर गई है, तो एक बार आप खाना एक तरफ रख के थोड़े से पानी से उसको साफ कर दो, क्योंकि जैसे ही धब्बा लगता है और तब की तब पानी से जो साफ किया हुआ है उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो फटाफट रेशे तंतु तक जैसे ही गया, उसके अंदर जाने से पहले ही हमने उसको रगड़ के साफ कर दिया। कोई ज़्यादा प्रतिकर्मक लगाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है कि भाई पीछे या नीचे या कहीं भी हम कहीं बैठ गए या लग गया, तो उस समय फिर हम दाग को, ताजा को नहीं हटा सकते, तो फिर वो सूख जाता है, पुराना हो जाता है। तो फिर ताजा धब्बा जल्दी हटता है लेकिन पुराने धब्बे को हटाने में बहुत ही मुश्किल आती है, क्योंकि अगर मान लो कोई चाय है, कॉफ़ी है या सब्जी है तो वो वस्त्र के तंतुओं तक, अंदर तक पहुंच जाती है, इसलिए उसको साफ करना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर हम उस धब्बे की प्रकृति को चेक करते हैं। उस धब्बे की प्रकृति का हमको ज्ञान होना चाहिए कि धब्बे कितने प्रकार के हैं, और अगर धब्बा ये वाला लग जाता है तो कौन सा रंग होता है, कैसी स्पर्श होती है, तो हम उस धब्बे को देखकर और फिर हम उसको हटा सकते हैं। अब हमको अगर पता चल गया कि भाई जंग का धब्बा है और समझ में आ गई, तो हम ऑक्सैलिक एसिड से हम उसको साफ कर देंगे। लेकिन अगर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा है, तो एक सामान्य नियम है, सबसे पहले हम उसको ठंडे पानी में डालेंगे, थोड़ा हल्का सा रब करेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रब करना है, थोड़ा सा रगड़ेंगे, साफ नहीं हुआ कोई बात नहीं है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप गर्म पानी में उसको डुबोएंगे। गर्म पानी में डुबो के हल्का सा रब करेंगे या छोड़ देंगे, तब भी साफ नहीं हुआ तो उसके बाद में हम उसको खुली हवा में ब्लीच करने के लिए, विरंजित होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हो सकता है कि धूप में वो विरंजित हो जाए, उसका कलर हट जाए धब्बे का और कपड़ा साफ हो जाए। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो तनु अम्ल का घोल
या तनु क्षार का घोल यानी एल्कोहल या क्षार या फिर तनु अम्ल, इन सबके घोल को हम थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं धब्बे के ऊपर। अगर साफ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठंडे पानी से उसको झकोल के खंगाल करके और फिर सुखा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी साफ नहीं हुआ तो लास्ट में ब्लीच करना पड़ता है, विरंजित करना पड़ता है। लेकिन जब हम विरंजित करते हैं किसी भी वस्त्र को तो हमको वस्त्र की प्रकृति ध्यान में रखनी चाहिए, सूती है, लिनन है, सिल्क है, वुलन है, तो वस्त्र की अगर प्रकृति हमें पता होती है तो उस अनुसार हम ब्लीचिंग एजेंट को यूज करते हैं। जैसे अगर सिल्क और वुलन है, जानता जो प्रकृति के जो वस्त्र होते हैं उन पर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो तनु घोल होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो हम इन पर यूज कर सकते हैं। फिर भी हम उसको यूज करने के बाद में, धब्बा हटने के बाद में, साफ पानी में उसको एक दो बार खंगालते हैं, फिर उसको हल्का सा निचोड़ के और सुखाते हैं तो वो कपड़ा साफ हो जाता है। अगर रंगीन वस्त्रों पर कोई धब्बा लगा हुआ है तो फिर तनु घोल कोई सा भी हो वो हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु घोल के अम्ल से उसको साफ करते हैं, फिर साफ पानी से उसको वापस खंगालते हैं, उसके बाद हम उस कपड़े को सुखाते हैं। धब्बे की अगर हमको प्रकृति पता चल गई कि भाई ये जंग का है या शाही का है, तो फिर उससे उसको हटाने का जो भी रिएजेंट है वो हमें पता है, तो उस रिएजेंट को, प्रतिकर्मक को निकाल के वो प्रतिकर्मक हम उस पर लगाते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन, थोड़ा सा साबुन के पानी में उसको डिप करके और फिर साफ पानी में उसको धो लेते हैं। लेकिन जब भी हम कोई रसायन को यूज करते हैं कपड़े पर से, धब्बा जब हटाते हैं तो कई बार केमिकल्स को यूज करना पड़ता है यानी रसायनों को, तो जब रसायनों को यूज कर रहे हैं कपड़ों पर तो थोड़ी हवादार जगह पे होना चाहिए, उसकी स्मेल नहीं आ जाए, कोई बेहोश नहीं हो जाए, आंखों में नहीं चला जाए, स्किन पे नहीं लग जाए, फफोले नहीं हो जाए, तो उस केमिकल को यूज करते समय बहुत सावधानी से और हवा में उसको यूज करना चाहिए, हवादार जगह पर, कि उसकी भाप हमें ना लग सके। और कई बार ज्वलनशील पदार्थ भी होता है तो उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही केयरफुली उसको वस्त्र पर से यूज करके और साफ पानी से धो के वस्त्र को सुखाना चाहिए। तो अभी जो आज हमने पढ़ा 14th चैप्टर धब्बे छुड़ाना, उसमें पहला जो आज का टॉपिक था वो है धब्बे की पहचान करना। तो धब्बे की, हम ताजा धब्बा होगा तो वैसे ही पता पड़ जाएगा, लेकिन अगर पुराना धब्बा होता है तो हमको उसकी पहचान करनी होती है। हम रंग देख कर सकते हैं, सूंघ कर सकते हैं, स्पर्श करके कर सकते हैं, इन तरीके से हम धब्बे की पहचान कर सकते हैं। फिर धब्बे छुड़ाने के जो नियम होते हैं वो वैसे नियम है कि ताजा धब्बे को फटाफट साफ कर लो तो वो साफ हो जाता है, लेकिन अगर पुराना हो जाता है तो या तो हमको धब्बे की प्रकृति पता होनी चाहिए तो हम उसका रिएजेंट प्रतिकर्मक यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है कि कौन सा धब्बा लगा हुआ है तो कुछ सामान्य नियम है, पहले ठंडे पानी में डाल के रखेंगे, धब्बा साफ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गर्म पानी में डालेंगे, गर्म पानी में साफ हो गया हल्के से रब करने से तो ठीक है, नहीं तो फिर खुली हवा में हम उसको छोड़ देते हैं ब्लीच करने के लिए, तब भी साफ नहीं हुआ तो फिर हम तनु अम्ल या तनु क्षार या एल्कोहल का घोल लेके उसमें वस्त्र को डालते हैं, तब साफ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में कपड़े को ब्लीच करना पड़ता है, विरंजित करना पड़ता है। लेकिन जब वस्त्र को ब्लीच करना है तो हम उसको वस्त्र की प्रकृति के अनुसार करते हैं, वस्त्र की जो प्रकृति है, कॉटन है, लिनन है, सिल्क है, वुल है, सिंथेटिक है, तो जो वस्त्र की प्रकृति है उसके अनुसार हमको उस पर प्रतिकर्मक लगाना पड़ता है। जैसे अगर जानता हुए वस्त्र है सिल्क वुल वगैरह तो उस पर हाइड्रोजन परऑक्साइड लगाना पड़ता है, लेकिन कोई सा भी ब्लीच यूज करो वस्त्र पर, उसके बाद उसको साफ पानी से खंगालना चाहिए और साफ पानी से धो के और फिर उसको सुखाना चाहिए। रंगीन वस्त्र होंगे तो उस पर हमेशा तनु घोल इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उसका रंग वगैरह खराब नहीं हो और साफ पानी से धोना चाहिए। अगर हम
हमको धब्बे की प्रकृति पता है तो प्रतिकर्मक यूज करेंगे और रिएजेंट यूज करने के बाद में साफ पानी से धो लेंगे। यदि हम कोई केमिकल रसायन यूज कर रहे हैं तो हवादार जगह पे करेंगे, जिससे कि उसकी भाप या उसकी स्मेल से कहीं किसी भी व्यक्ति की बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। और अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ है तो उसे भी बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको यूज करना चाहिए। तो इस तरह से ये स्टेन रिमूवल में धब्बे की पहचान करना और धब्बे छुड़ाने के नियम के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम धब्बे, विभिन्न प्रकार के धब्बों को किस प्रकार छुड़ाया जाता है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।